मॉर्निंग बच्चों, एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल in this English online class. Today I am your English teacher. My name is Mr. Premchand Singh, trained teacher from Moti Lal Nagar Hindi School, Goregaon West. In this session, we will read the chapter 2.2. Name of the chapter is The House Builder. Name of the chapter is The House Builder. Now, The House Builder is a story of a mason who worked for a building contractor. Mason was very honest. He used high quality materials. He was very famous. Now, before starting the lesson, we will discuss, that is chit chat. In chit chat, make groups and discuss the following questions. चिट चैट में बच्चों क्या है, आपको ग्रुप बना करके आपस में डिस्कशन करना है। डिस्कस द फॉलोइंग। बच्चों इसमें आपको ग्रुप क्लास में क्रिएट करना है, बनाना है अपना, और क्वेश्चंस जो दिए गए हैं ऐसे और भी आपके भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप एक दूसरे से डिस्कस करना है। फॉर मॉडल सम क्वेश्चंस आर हियर। व्हाट इज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन? व्हाट इज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन? व्यवसाय से सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर होने का क्या मतलब है, क्या है? बच्चों इसका आंसर आप अपनी भाषा में दोगे, बाद में उसको इंग्लिश में भी बोल सकते हो। रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन मीन्स यू स्टॉप डूइंग योर जॉब और वर्क। जो भी काम कर रहा है या जो भी सर्विस आदमी कर रहा है उससे उसको बंद कर देना, उसको मतलब उसको रोक देना, उससे मुक्त हो जाना, वही रिटायरमेंट है। व्हेन डू पीपल रिटायर? लोग रिटायर कब होते हैं? जनरली पीपल रिटायर एट द एज ऑफ 60। एट द एज ऑफ 60, जब आदमी अपने यहाँ क्या रूल है, 60 साल पे रिटायर होता है। बट सम रिटायर बिफोर 60 such as in force, our state government in Maharashtra, 58 years. Third one is, for what reasons do people have to retire from their occupation? किन कारणों से लोग अपने व्यवसाय से रिटायर होते हैं, क्या कारण है उसका? तो डिफरेंट कारण हो सकते हैं, ड्यू टू एज फैक्टर एंड due to their health or due to any family problem. There may be many reasons. You may discuss to each other. Now last question, how do people spend their time after retirement? सेवानिवृत्ति के बाद लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं? बच्चों आफ्टर रिटायरमेंट मेनी ऑफ द पीपल स्पेंड देयर लाइफ विद देयर फैमिलीज। सम वन गो फॉर द टूर, अदर वर्क्स, अदर एक्टिविटी। तो इस तरह से बच्चों और आपके भी क्वेश्चन होंगे, एक दूसरे से आपको स्टार्टिंग में शेयर करना है और डिस्कस करना है। आफ्टर डूइंग चिट चैट your second type of question, discuss and match the professionals involved in construction with the work they do। तो मतलब बच्चों देखिए, आप देखे होंगे कहीं भी आपके बगल में कंस्ट्रक्शन का वर्क, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट, इंजीनियर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, कारपेंटर, मेसन, many people involved in that activity। What is their work? तो कोई भी कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य जब शुरू होता है बच्चों, तो पहले उसका डिजाइन और मैप तैयार किया जाता है। प्लान्स एंड डिजाइन्स स्ट्रक्चर, जो भी कंस्ट्रक्शन करना है उसका प्लान तैयार होता है और डिजाइन तैयार होती है। तो आर्किटेक्ट जो होता है वो प्लान और डिजाइन तैयार करता है। सबसे पहले बिल्डिंग की प्लान और डिजाइन तैयार की जाती है। उसके बाद इंजीनियर, अभियंता, वो क्या काम करता है बच्चों? उसका काम है कि जो भी बिल्डिंग, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वह मजबूत है और अस्थायी है कि नहीं, यह उसके अंतर्गत आता है। थर्ड वन इज बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग बनाने का जिम्मा अपने ऊपर लेता है, दैट इज बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। उसका वर्क क्या होता है? पूरे कंस्ट्रक्शन की देखरेख करना, जो भी एम्प्लॉय इसमें वर्क कर रहे हैं उनको देखना काम बराबर हो रहा है कि नहीं, दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ वन इज कारपेंटर। कारपेंटर यू नो मेक्स वुडन फ्रेमवर्क और डोर्स, विंडोज। कारपेंटर का काम होता है बच्चों जो दरवाजे का काम करता है, बढ़ई का काम करता है, फ्रेमवर्क का काम करता है। एंड फिफ्थ वन इज मेसन। मेसन क्या है? जो इमारत को बनाता है, जो ईंट, छत और प्लास्टर का काम करता है, उसे मेसन बोलते हैं। टाइलर जो टाइल लगाने का काम करता है। इंटीरियर डेकोरेटर जो अंदर सजावट का काम करता है। इसमें बच्चों मैच करना है, दो ग्रुप दिया गया है, अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी यू हैव टू मैच ए विथ बी। आंसर इज हाँ, यस। इसको फुल स्क्रीन में कीजिए ना, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन, हाँ, स्लाइड। आंसर इज गिवन, आर्किटेक्ट्स वर्क इज गिवन डी, प्लान्स एंड डिजाइन्स स्ट्रक्चर। इंजीनियर इंश्योर्स स्ट्रक्चर विल बी स्ट्रांग एंड स्टेबल। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर supervises construction, employees, workers, professionals, etc. Carpenter makes wooden framework of doors, window, etc. Mason builds wall, roof, etc. and plasters. Tiler does the flooring. Interior decorator beautifies the inside of the home. तो मैच करना है बच्चों, दोनों में आप मैच कर लीजिए। आंसर आपका गिवन है, दिया गया ऑन द स्क्रीन, यू कैन मैच। आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, दिस इज ग्रामर पोर्शन। डियर स्टूडेंट, दिस इज ग्रामर पोर्शन। वॉवेल एंड सिलेबल, this is also given in the second question in chit chat। तो यहाँ हमको syllable और vowel के बारे में discuss करना है। तो बच्चे सबसे पहले vowel क्या है, आप लोग already पढ़ चुके हो। vowel स्वर को कहते हैं। अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से 5 लेटर A, E, I, O, U, ये 5 लेटर इंग्लिश में वॉवेल होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, यू, इनको इंग्लिश के वावेल बोलते हैं ये लेटर को। और हिंदी में भी आपको स्वर की जानकारी पहले ही आप पढ़ चुके हो, वो क्या है आ आ ए ई ओ उ ए ऐ ओ औ और अंग अ। वावेल आप समझ गए हिंदी और इंग्लिश दोनों में कौन से लेटर वावेल हैं। नाउ सिलेबल। A word can be broken up into units of pronunciation, each having one vowel sound, with or without consonant sounds around it. Syllable देखिए बच्चों, ये शब्दांश होता है। किसी भी शब्द को उसको कई उसके syllable according to pronunciation, वावेल के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार उसको आप कई पार्टों में डिवाइड कर सकते हो। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड सिलेबल व्हिच हैज ओनली वन वावेल साउंड। तो जिसमें केवल एक वावेल साउंड होना चाहिए। किसी भी शब्द को आप उच्चारण जब करते हो तो उसका उच्चारण वावेल साउंड के कारण ही, वावेल से ही होता है, बिना वावेल के वो उच्चारित नहीं होता। जैसे देखिए राम लिखते हो आर ए एम, तो बीच में वावेल जो है ए यूज किया गया है। अगर ए नहीं रहेगा तो उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे आर रा और अ म राम, तो ये जो है वो उसको प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करता है। अब देखिए, अब एक शब्द में वन सिलेबल, टू सिलेबल, थ्री सिलेबल या मोर देन थ्री सिलेबल्स हो सकते हैं। उसको कैसे आप समझोगे? जैसे देखिए सम एग्जाम्पल्स आर गिवेन, गॉट, टू, विल, सी एटसेट्रा हैव जस्ट वन सिलेबल। बच्चों देखिए टीओ टू, टू में देखिए सिलेबल वन सिलेबल हैं सब। गॉट जीओटी, इसमें एक ही लेटर, एक ही वावेल ओ का देखिए प्रयोग, जीओटी एक वावेल का यूज किया गया है। तो इसमें इसका उच्चारण जब आप करोगे गॉट, तो ओ के कारण उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और एक ही वावेल है, एक ही स्वर है, तो इस तरह से वन सिलेबल हुआ। विल, विल में वावेल क्या है आई, विल डब्ल्यू आई डबल एल, तो आई जो है उसके रूप में यूज किया गया है स्वर के रूप में, ये वन सिलेबल है। सी, जब आप प्रोनाउंस करो सी बड़ी देखिए बोल रहा है लास्ट में, तो एक ही वावेल का प्रयोग, एक ही स्वर उच्चारित हो रहा है, तो ये वन सिलेबल हुआ। इसी तरह से वर्ड में मोर देन वन सिलेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फादर, फादर एफ ए टी एच ई आर, तो यहाँ देखिए दो बार जो है वावेल आया हुआ है, एफ ए टी के बीच में देखिए एफ ए और लास्ट में टी एच ई आर, ई जो है दूसरा वावेल यूज्ड हुआ है। तो जब आप उसको उच्चारित करोगे, उच्चारण करोगे, प्रोनाउंसिएशन करोगे, तो आप पढ़ोगे फादर, तो यहाँ जो है दो वावेल यूज हुए हैं, दो स्वर आ रहे हैं, फा आ और टी एच ई आर, ई का प्रयोग हो रहा है, ये टू सिलेबल है। मेसन को कैटेगराइज किया है, दिस इज आल्सो टू सिलेबल। एम ए S-O-N, A is vowel in M-A and O is vowel used in son. Builder, builder, two parts, build और डर। तो देखिए एक ही स्वर का जो आप पार्ट कर रहे हो उसमें एक ही स्वर आ रहा है, बिल छोटी, डर ई का हो रहा है, उसके कारण उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। हैव टू सिलेबल। सिमिलरली Many words have three syllables like engineer, carpenter, construction, etc. have three syllables. So engineer देखिए in, jin, year. मैंने तीन पार्टों में देखिए उसको किया है, प्रत्येक में एक ही उच्चारण का बोध हो रहा है आपको। इन में ई देखिए, जिन में छोटी ई, यर बड़ी, तो इस तरह से तीन स्वर का इसमें उच्चारण हो रहा है। हिंदी में अगर आप उसको उच्चारित करेंगे या इंग्लिश में कर रहे हो तो तीन वावेल्स का प्रोनंसिएशन यहाँ हो रहा है, इस तरह से यह थ्री सिलेबल है। कारपेंटर, कॉर, पेन और टर, दिस इज आल्सो थ्री सिलेबल। कंस्ट्रक्शन, दीज आर द वर्ड्स हैविंग थ्री सिलेबल्स। तो बच्चों मैं समझता हूं तुमको सिलेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ज्यादा डिटेल में हम लोग ग्रामर पोर्शन में तो देखेंगे। यहाँ इसके बारे में आपसे डिस्कस किया वावेल एंड सिलेबल। मैं सोचता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। Now in chat, write down names of any five of your classmates and break them up into syllables. Write down the number of syllables in each of their names. अपने क्लास के 5 बच्चों के नाम आपको लिखना है और उसमें नंबर ऑफ सिलेबल्स बताना है बच्चों। तो आप कुछ भी नाम आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने अनुसार। मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर I have given 5 names. Those are Ram, Ranjit, Sarita, Vijay and Puneet. Ram, Ram. तो इसमें एक स्वर का उच्चारण देखिए हो रहा है आ रा, एक के कारण उसका उच्चारण क्या राम, तो 1 syllable हुआ। Second is Ranjit. Ranjit में RANJEET, तो 2 स्वर का उच्चारण हो रहा है, रन ए के कारण, दूसरा डबल ई के कारण, जी बड़ी। तो इस तरह से बच्चों ये 2 सिलेबल है। अब आपको बताना है सरिता। सरिता में बताएंगे आप 3 स्वर का उच्चारण हो रहा है, स री ता, अ ई और आ, तो ये 3 सिलेबल हो गया। विजय बच्चों बताइए कितने सिलेबल होंगे। वी, एक बार वी छोटी का देखिए उच्चारण हो रहा है, जय एक एक कारण उच्चारण हो रहा है अ का, इस तरह से 2 सिलेबल है। लास्ट वन इज पुनीत, PU और NIT, एक बार U के कारण और एक बार I के कारण, तो इसको 2 पार्ट इसमें बनेंगे, दैट इज 2 सिलेबल। तो इस तरह से आप अपने क्लास के बच्चों का, अपने मित्रों का नाम लिख करके उसमें नंबर ऑफ सिलेबल्स बता सकते हो। एक सिलेबल में एक ही स्वर का उच्चारण होना चाहिए। तो सिलेबल इज पार्ट ऑफ वर्ड। नाउ नेक्स्ट, now we are going to read our chapter 2.2, The House Builder. House Builder बच्चों जानते हो, जो घर के निर्माण का कार्य करता है, House Builder भवन निर्माता। This is the story of him. पहले आपको रीड करना है। You have to develop your reading skill. Now you have to read this chapter. This is a story of a mason who worked for a building contractor. The mason always strove to do his work to perfection. As soon as a house had been designed by the architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of बिल्डिंग द हाउस टू हिम। तो बच्चों इस तरह से आपको पढ़ने का अभ्यास करना है, पढ़ना सबको आना चाहिए। तो आप पढ़ने का अभ्यास करेंगे, कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो तो इफ एनी वन वॉन्ट टू रीड यू कैन रीड, नहीं तो आप अपने घर पर उसका अभ्यास करोगे। The mason would then, without wasting any time, start his work. He would take great interest in his work of building and do it with full dedication. He made sure that he used the best construction material of high quality. The measurements of the walls, doorways, arches, etc., were perfect, and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. The owner of the new houses built would be more than satisfied with the construction. इस तरह से बच्चों आपको ये पैसेज जो है रीड करना है, इसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं की वर्ड मीनिंग आपको लिखनी है डिक्शनरी की सहायता से। अब इसका थोड़ा मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी कर देता हूं आपको, हिंदी रूपांतरण। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए मैसन। यह कहानी जो है, आप मैसन का मतलब होता है बच्चों जो निर्माण कार्य करने वाला होता है, राजमिस्त्री आप लोग जो बोलते हो, राजगीर कुछ भी कह सकते हो, जो कि निर्माण कार्य करता है। तो उसी ये कहानी जो है एक राजमिस्त्री की है, हु वर्क फॉर ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, जो कि एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर भवन के ठेकेदार के लिए काम करता था। द मैसन ऑलवेज स्ट्रोव टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। मैसन जो है, मिस्त्री जो है, हमेशा जो है अपना अच्छा देने का प्रयास करता था, अच्छा कार्य देने के लिए हमेशा संघर्षरत रहता था। इस ट्राइब का पास्ट फॉर्म क्या है? स्ट्रोव। इस ट्राइब का पास्ट फॉर्म स्ट्रोव। इस ट्राइब मतलब संघर्ष करना, तो हमेशा उसके लिए संघर्ष करता था। As soon as house had been designed by the architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him. जैसे ही आर्किटेक्ट जो है उसका नक्शा और डिजाइन तैयार करता है, अभियंता द्वारा, इंजीनियर द्वारा उसको अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो ठेकेदार जो है वो मिस्त्री को बुलाता है और उसको कार्य की जिम्मेदारी सौंप देता है और वह निश्चिंत हो जाता है। द मेसन वुड देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट हिज वर्क। तो मिस्त्री जो होता है, राजमिस्त्री जो होता है, वो अपने काम को बिना समय गवाए अपना काम शुरू कर देता है। He would take great interest in his work of building and do it with full dedication. Dedication मतलब बच्चों निष्ठा के साथ। तो यहाँ जो है मिस्त्री जो है अपना काम बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ शुरू कर देता है। He made sure that the use the best construction materials. अब उसका काम, वो हमेशा जो है अच्छे मटेरियल, जो भी उसमें मटेरियल यूज होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कार्य में अच्छा मटेरियल होगा तो बिल्डिंग जो है मजबूत होगी। वो हाई क्वालिटी, मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्स, दीवार की नाप जोक, दरवाजे की नाप जोक और गुंबद, आर्चेज माने गुंबद, ये सब की बराबर नाप तौल करके अच्छे ढंग से उसका निर्माण कार्य करता है। दे आर परफेक्ट एंड ही गेव एन एक्सीलेंट एंड अपीलिंग फिनिश टू व्हाट एवर ही बिल्ट। तो जो है अपना उत्कृष्ट काम करने का, उसने जो बनाया है उत्कृष्ट देने का प्रयास करता है, समाप्ति करने की कोशिश करता है। द ओनर ऑफ द न्यू हाउस बिल्ट वुड बी मोर देन सेटिस्फाइड विद द कंस्ट्रक्शन। इससे क्या होता है, जब उसका कार्य अच्छा होगा तो जो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है वो उससे, उसके कार्य से बहुत संतुष्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। Because of the zeal, diligence, loyalty and persistence that he displayed in his work, the mason was in great demand and fetched good business to his contractor. Subsequently, the contractor recommended the mason handsomely with a very good salary. He could meet the needs of his family sufficiently without any scarcity. बच्चों देखिए यहाँ शब्द जो हैं उसका मीनिंग आपको लिखनी होगी। बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आए हुए हैं तो आप ये सारे वर्ड जैसे झील हुआ JDAL, डिलीजेंस, लॉयल्टी एंड परसिस्टेंस, ये सब वर्ड आप अपनी नोटबुक में लिख करके उन सब की मीनिंग जो है आप डिक्शनरी से या नेट से सर्च करके भी लिख सकते हो अगर आपके पास है। झील मतलब उत्साह, जोश, डिलीजेंस लगन यानी परिश्रम, लॉयल्टी एक टाइप की लॉयल्टी ईमानदारी होती है, परसिस्टेंस मतलब सतत प्रयास करना। तो उसके अंदर जो है मिस्त्री के सब क्वालिटियां हैं बच्चों, उसके उत्साह, जोश, परिश्रम, ईमानदारी, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस अभ्यास करने से वो अपने काम को जो है बहुत अच्छे ढंग से करता था। उसकी लोगों के बीच में ग्रेट डिमांड, तो जो काम अच्छा करता है उसकी अच्छी डिमांड होती है, लोग उसको बहुत चाहते हैं। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस ऐसा मिस्त्री मिल गया था, उसका व्यापार जो है उसका बढ़ गया था, उसकी वैल्यू बढ़ गई थी। सब्सिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्टर रिकम्पेंसेड, subsequently the contractor recompensed मतलब मेहनत, मेहनताना जिसको बोलते हैं, जब कोई काम करता है तो उसको मेहनत के रूप में उसको सैलरी दी जाती है। तो मेहनताना के रूप में कॉन्ट्रैक्टर जो है इसको बहुत अच्छी सैलरी देता था। He could meet the needs of his family sufficiently without any scarcity. तो इस सैलरी से वह जो है अपने कार्य को, अपने परिवार को बहुत अच्छी प्रकार से चलाता था, उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। हो गया ना, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा नहीं, हाँ, सेकेंड पैराग्राफ बच्चों। The mason thus continued working with great devotion for many years till he became a grandfather. The mason thus continued working with great devotion. तो इस प्रकार से राजमिस्त्री जो है बहुत लंबे समय तक निष्ठा के साथ अपना कार्य जारी रखा। Till he became a grandfather. लेकिन अब वो क्या हुआ, अभी दादा बन गया। Then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. अब वो सोचता है कि अब हमको इस काम से मुक्त होना चाहिए और अपना ज्यादा समय जो है अपने पोते पोतियों के साथ बिताना चाहिए। Being a firm-minded person, he informed his contractor of his decision to retire from house building. Firm-minded, वो फर्म माइंडेड दृढ़ निश्चयी था पर्सन। ही इनफॉर्म्ड, अब वो जो है अपने कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को सूचना देता है अपने निर्णय के बारे में, अपने निर्णय लेता है कि वह अब रिटायर होना चाहता है। द कॉन्ट्रैक्टर वाज वेरी डिसहार्टेंड, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है ठेकेदार बहुत हताश हो जाता है। डिसहार्टेंड को बहुत हताशा होती है। To lose such an excellent workman, इस तरह का ईमानदार उत्कृष्ट काम करने वाला उसको मिला था, उसके रिटायरमेंट से वह बहुत हतोत्साहित था। एंड अर्ज्ड, और उसने आग्रह किया, द मैसन मिस्त्री से आग्रह किया, टू कंटिन्यू हिज जॉब, अपना काम आप जारी रखो, रिटायरमेंट मत लो, भी जारी रखो। बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। The mason had made up his mind and refused to carry on. लेकिन उसने अपना दिमाग उसका नहीं बदला, उसका मन हो गया था अभी हमको नहीं करना है। नेक्स्ट नाउ slide is third slide. Finally the contractor convinced the mason to build one last house on a beautiful and convenient site. अंततः जो है finally मतलब अंततः the contractor convinced उसको मना लेता है, convince मतलब मनाना, convinced past form है, मना लेता है उसको the mason to build one last house on a beautiful and convenient site. उसको कहता है भाई आप जो है लास्ट एक बढ़िया और मनमोहक जगह पर आपको एक घर और बनाना है एज ए स्पेशल फेवर, मनमोहक और आकर्षक हो जो। द मैसन एग्रीड टू डू सो विथ ग्रेट रिलक्टेंस नॉट टू हैप्पली आइदर। तो जो है बिना मन के जो है राजमिस्त्री जो है सहमत हो जाता है, चलो भाई एक काम और हम कर देंगे। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, मकान बनना शुरू होता है, संरचना शुरू होती है। इट वाज ए मोस्ट ब्यूटीफुली डिजाइन्ड हाउस टू बी बिल्ट एट ए शॉर्ट आफ्टर लोकेशन। यह जो है एक बहुत ही सुंदर जगह पर डिजाइन, सुंदर डिजाइन किया हुआ घर एक अच्छे लोकेशन में बनना शुरू होता है। However, the mason could not put his mind and heart in his work. लेकिन उसका मन जो है उस काम में लगता नहीं था, उसका दिमाग उसका मन जो है उस कार्य में लग नहीं रहा था। He did his work very roughly. वह काम को जो है बहुत रफली कर रहा था, बढ़िया नहीं कर रहा था, बहुत ही खुरदरा, बहुत ही खराब, घटिया। एंड केयरलेसली, और उसको कोई टेंशन भी नहीं था, वो निर्माण कार्य उसका कर रहा था। विदाउट इंटरेस्ट और डेडिकेशन, विदाउट इंटरेस्ट बिना किसी इंटरेस्ट लिए, बिना किसी रुचि के वो बना रहा था, और डेडिकेशन बिना किसी लगन के, डेडिकेशन बिना किसी लगन के। इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड वाज ऑफ लो क्वालिटी, जो मटेरियल उसमें यूज कर रहा था उसकी भी क्वालिटी बढ़िया नहीं थी। बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन उसको कोई गम नहीं था। ही सिंपली वांटेड टू कंप्लीट द जॉब इन हास्ट एंड फाइनली रिटायर। उसका मकसद एक ही सामने चीज दिखाई दे रही थी, उसको अपना काम पूरा करना है तो दे देना है और हमें रिटायर होना है। द हाउस वाज रेडी अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, तो घर जो निर्धारित समय था उससे पहले ही बन गया। वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर, उसकी संरचना भी बहुत खराब थी, रफ थी। वीक वॉल्स, कमजोर दीवारें, पुअर फिनिश एंड डिड नॉट लुक एज गुड एज ऑल, उसकी दीवारें कंस्ट्रक्शन इतना गंदा था कि वो अच्छा नहीं दिख रहा था, उसका लुक भी, आउटलुक भी बढ़िया नहीं था, जैसा कि उस डिजाइन पर किया गया था उसके अनुरूप वो नहीं था। एट द मैसन डिड नॉट केयर, लेकिन फिर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया। ही इन्फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टर दैट द हाउस वॉज रेडी एंड ही वॉज वेटिंग to hand over its keys to him. तो इस तरह से वह जो है अपने कॉन्ट्रैक्टर को सूचना देता है कि घर बनकर तैयार है, आप इसकी चाबियां ले लो। उसकी चाबी देने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। Now the last slide. The contractor arrived at the site. अब कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार जो है साइट पे उस जगह पर पहुंचता है। He had a file of legal documents in his hand. उसके हाथ में कुछ लीगल मतलब कानूनी कागजात थे। द मैसन हैंडेड ओवर द न्यू हाउस कीज टू हिम, मिस्त्री जो है चाबियां, घर की चाबियां उसको सौंपना चाहता था। बट द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट स्टेप फॉरवर्ड टू इंटर द हाउस, लेकिन ठेकेदार आगे नहीं बढ़ता है घर में जाने के लिए। टू सी इट इंस्टेड, देखने के बजाय, विथ ए ब्रॉड स्माइल, गहरी मुस्कान के साथ, ही हैंडेड ओवर द फाइल एलॉन्ग विद द हॉर्स कीज टू द मेसन। वो जो हाथ में फाइल लिया रहता है, कागजात लिए रहते हैं, वो उसको मिस्त्री को सौंप देता है। एंड सेड बीमिंग हैप्पी, मुस्कुराती हुई मुद्रा में कहता है, स्वर में कहता है, These are the ownership documents of this new house in your name. इसमें तुम्हारे नाम के से कागजात हैं, घर का कागजात है, ये तुम्हारे नाम है. This house is yours. ये घर अब आपका है. जो बनाया लास्ट में बोला ये घर अब आपका है. I had planned it as a gift for you. मैंने इसे आपको उपहार स्वरूप देने का की योजना बनाई थी. तो बच्चों इस तरह से हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया चैप्टर के बारे में. जब आप उसको समझेंगे तभी आप कुछ एक्टिविटी भी कर पाएंगे, कुछ आइडिया होनी चाहिए. तभी ये बच्चों रीडिंग करना है आपको, रीडिंग एंड यू हैव टू राइट डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग. आफ्टर प्रैक्टिस यू मे लर्न दिस lesson reading skill. Now after reading the lesson there are some activities, workshop, English workshop. तो पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं. मेनी टाइप्स क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में. इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. नीचे जो शब्द लिखे गए हैं बच्चों, जो वर्ड्स हैं उनका नाउन फॉर्म मतलब तो संज्ञा रूप में उनको बनाना है. तो देयर आर मेनी वर्ड्स, 8 वर्ड्स. फर्स्ट इज डेडिकेट, उसका नाउन आपको बनाना है, उसका आंसर डेडिकेशन. बच्चों आप लिख सकते हो नोटबुक में. मेजर, मेजरमेंट, रेड में जो है वो आंसर है. डिसाइड, डिसीजन. फोर्थ इज perfect, perfection. Fifth is own, उसका noun form owner. Give का noun form gift. Responsible का noun form responsibility. Persist का noun form persistence. तो बच्चों ये noun form आप नोट कर लीजिए. 2 मिनट का समय, 1 मिनट का देता हूं, आप नोट कर सकते हो. हाँ ओके, आप लोगों ने लिख लिया. इंग्लिश वर्कशॉप सेकंड क्वेश्चन. Choose the proper phrase, expression to complete the sentence meaningful. इसमें क्या करना है बच्चों, उचित शब्द या शब्दांशों को, शब्द समूहों को, यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में नीचे शब्द या शब्द समूह दिए गए हैं, जो कि देखिए to send for with full dedication, in great demand, to meet the needs of makeup. ये कुछ शब्द या शब्द समूह दिए गए हैं. इनकी सहायता से जो नीचे लिखा गया है उसको पूरा करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको. इन शब्दों की सहायता से आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. पहला देखिए एक उदाहरण मैंने दिया है. शी डज हर जॉब विथ फुल डेडिकेशन. तो पहले में क्या आएगा, आप ब्रैकेट से वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो, विथ फुल डेडिकेशन. वह अपना कार्य पूरी निष्ठा से करती है. इसी तरह से और भी वर्ड दिए गए हैं. सेकेंड, वन शुड, यहाँ स्पेस नहीं दिए क्या, वहां देखिए बच्चों स्पेस है, वन शुड स्पेस देखिए दिख नहीं रहा है, हमको लग रहा है इसमें वन शूट के बाद स्पेस है, स्पेस आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हो। वन शुड मेक अप वंस माइंड, वन शुड मेक अप वंस माइंड, ब्रैकेट में वहां देखिए सब वंस माइंड, ये वाला भरा जाएगा। थर्ड में एज मिस्टर जाधव वाज ट्रांसफर्ड टू चेन्नई ही हैड टू हैंड ओवर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू हैंड ओवर, थर्ड में क्या आएगा टू हैंड ओवर। फोर्थ में द लेबर्स इनकम वाज नॉट सफिशिएंट टू मीट्स द नीड ऑफ हिज फैमिली, टू मीट्स द नीड ऑफ हिज फैमिली। फिफ्थ में क्या आएगा बिकॉज ऑफ ए फॉल्ट इन द राइटिंग दे विल हैव टू सेंड फॉर एन इलेक्ट्रीशियन। सिक्स्थ मदर ट्राइड hard to change her son's habits but to no avail, but to no avail वहां से फिल अप करना है। सेवेंथ वन मैंगोज ऑफ रत्नागिरी आर ऑलवेज इन ग्रेट डिमांड, स्पेस आगे है बच्चों थोड़ा उसमें करेक्शन है। There are many questions. In the next class, we will discuss about the other exercises, other questions. Now, what is assignment for this chapter? First is complete the following words by using correct letters. यहाँ कुछ आपको प्रॉपर सब meaningful word बनाने हैं correct letter का उपयोग करके, आपसे बुक से ही है। देखिए पहले डॉट है ASO डॉट, तो दो लेटर इसमें डालना है आपको स्टार्टिंग में और लास्ट में कि ये कंप्लीट वर्ड बन जाए। इस तरह से देयर आर 4 वर्ड्स यू हैव टू नोट डाउन, आप इसको लिख लीजिए, आप ये घर पर कंप्लीट करेंगे। होमवर्क आप लिख लीजिए एंड सेकंड फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेट आर्डर मतलब वर्ड क्रमानुसार में अल्फाबेट के आर्डर में आपको इसको फिट करना है इस टाइप से, और जो भी बताया गया है आप वर्ड मीनिंग और उसका रीडिंग आप करोगे घर पर। बच्चों आज का लेसन यहीं, हाँ अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ शंका है तो बच्चे पूछ सकते हो। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको समझा होगा। हमारी नई नई शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए हमारे BMC एजुकेशन हिंदी स्टैंडर्ड 8 इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।